which was the most difficult task accomplished on planet Earth till date. धरती के ऊपर आज तक देखेंगे तो इफ यू जस्ट लुक बैक टू चार युगा, सच्चे युगा, त्रेता युगा, द्वापर युगा एंड अभी कल युगा में हैं हम. ये चार युगों में व्हाट यू थिंक वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क दैट वाज एवर अकॉम्प्लिश्ड एंड मोस्ट फ्रूटफुल टास्क दैट वाज एवर अकॉम्प्लिश्ड. बताइए आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है? हाँ, to be a good human being is the most difficult task. Okay, excellent. Bahut achhi baat. To survive itself. Survival itself is a struggle. To become great, kitne mushkil hai. The very survival also utna hi difficult hai. For some people, even survival is the most adventurous and difficult thing. Very good. Aur kya hai? So, mai soch raha hun, wo alag hai. But, aur kuch logon se sunna chahta hun. क्या ये भी आप सोचे हैं क्या? व्हाट? सेव प्लैनेट अर्थ. अभी तक कितना मिलियंस ऑफ इयर्स ये प्लैनेट ऐसे घूम रहे हैं. इट्स मूविंग, इट्स रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस एट मोर देन 1000 किलोमीटर पर आवर. इट्स स्पिनिंग लाइक अ बॉल एंड इट्स आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन 365 डेज ए ईयर एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड. अभी भी वो चल रहा है, इट्स स्टिल गोइंग ऑन. ओके, उसमें हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया ना. हमने तो कुछ नहीं किया. बट एनीवे, या बट देन इट इज एक्चुअली अ मैजिक. इट्स अ मिरेकल हैपनिंग. इट्स अ मिरेकल हैपनिंग. यस, काम कुछ किया गया था जिसकी वजह से कुछ रिजल्ट मिला. देयर वाज सम टास्क. इट वाज अ टास्क. इट वाज अ काम. इट वाज एन एफर्ट दैट वाज एग्जर्टेड फॉर सर्टेन outcome, for certain benefit, and the benefits that were accrued were phenomenal, mind-blowing, the biggest ever gifts, the greatest ever result that was the outcome of this effort. What was that? Peace, okay, peace, moksha, mukti. तपस करते हैं जो मुनि महर्षि लोग, जो तपस किया उसी की वजह से उनको मोक्ष मिला. ओके ओके, उससे भी थोड़ा ये, उससे भी थोड़ा बढ़िया है. यूनिवर्सल साउंड ओम. ऑफ कोर्स, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट दैट हैज बीन गिवन टू द होल यूनिवर्स हमारे भारत से. दिस इज ओम. ओम एक अक्षर नहीं, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ 3 लेटर्स. आ वो मा एक अक्षर ही नहीं, दिस इज ऑल्सो ए साउंड. दिस इज नॉट ओनली ए अक्षर, दिस इज नॉट ओनली ए साउंड, इट इज ऑल्सो एन आकार. एक आकार है, एक रूप है, एक शब्द है और एक अक्षर भी है. अक्षरों का मिलन है. दैट इज ओम एंड दैट इज गिफ्टेड टू द होल यूनिवर्स बाय हमारा भारत महान. वेरी गुड. दैट इज देयर. बट जो यस सैक्रिफाइस. ओके, या ऑफ कोर्स, यू नो, सैक्रिफाइसेस विल गिव द रिजल्ट. सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा. ठीक है, जो मैंने सोचा वो है ये. समुद्र मंथन, समुद्र को मंथन करना, ये सत्य युगा में हुआ था. दिस हैपेंड इन द सत्य युगा व्हेन ओनली देवतास एंड असुरास एंड देवतास वर देयर, राइट? एंड व्हाट डिड दे डू? दे चर्न द ओशन. दे यूज्ड Mount Mandara as the churning stick. They use Nag as the churning rope. Samundar ko manthan karna, ek taraf danava, ek taraf devata. Kiye the, nahi kiye the? And wo niche ja raha hai to jab Vishnu Bhagwan ne Kurma avatar mein gaye, so that the mountain will not touch the bottom of the ocean. They can still churn the ocean. And what was the outcome? What was the result of this? Oh my God. Even Goddess Lakshmi was a product of this, was a result of this. She was the outcome. Goddess Lakshmi. Amrut. Amrut. Jo Amrut. Mrutyun jai ban jate hai hum. Hala hal bhi hai. Amrut ke saath saath hala hal bhi aaya tha. कल्प वृक्ष आया था. कल्प वृक्ष जो भी आप मानते हैं वो देते. खामत धेनु आया था. हाँ,
ऐरावत ऐरावत ये सभी, लुक एट दैट, यू नो व्हाट वाज द आउटकम, माय गॉड, धरती पर जो भी यू नो द अमाउंट ऑफ मनी इज देयर, गॉड इज लक्ष्मी के पास है, जितने पैसा कोई किसी के पास नहीं, हमको पैसे चाहिए तो भी उनसे मांगते हैं हम, इतना पैसा लक्ष्मी माता जी के पास है. सो शी वॉज द प्रोडक्ट. बट आई वॉन्ट आस्क यू वॉट वॉज, हाउ कम दिस पीपल आर मोटिवेटेड टू डू दिस. समुद्र में जाना, डूबेंगे, डरेंगे, मरेंगे, ये कोई नहीं था. वो लोग जाके they went to the ocean and they were trying to churn, they took so much of risk, so much of pain, they too, what was the motivation behind this, how come they were motivated to do this, what was the motivation behind this phenomenal task accomplished by them. Boliye. Yes sir. They were very well convinced that it is a win-win situation for Okay, so okay. Otherwise, oh beautiful. आपका शुभ नाम क्या है सर? Common platform, Maheria. हाँ, Maheria साहब ने बोल रहे हैं. Here while performing this task, both the parties perceived it as a win-win situation. If only one party like Devatas perceived, you know, the Rakshasas might not have participated. If Rakshasas had thought this would benefit only Devatas, Rakshasas would not have done it, and without Rakshasa's support and help, this would not have been performed. This would not have been accomplished. This task could not have been accomplished. So both people thought it's a win-win situation. We have humko isme kuch hai. There is something for us, and that something is what? Something is what? Something, if something is little bit of it, they might not have been inspired. That something is Amrut. What was they trying for? Amrut. Amrut, the divine nectar. The divine nectar they were trying for. Because ek baar wo divine nectar piyenge, unko koi maut nahi hoga. They will be mrutyunjay. They will be living eternal. Forever. Hai na? So there is some factor for motivation. Mere ko laga kya hai? Soch lijiye.